हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म होता क्या है उसके बारे में। तो रोप सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ज्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। और इसका जो इस्तेमाल है वो हाई राइज बिल्डिंग में प्लास्टरिंग करने के लिए हो, पेंटिंग करने के लिए हो, या फिर क्लैडिंग करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी मदद से जो है कंस्ट्रक्शन में लगने वाली जो कॉस्ट है उसको जो है हम कम कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी टाइम लगने वाला है उस काम को उसमें भी ये रिडक्शन करने में जो है मदद करता है। दोस्तों, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में हाई राइज बिल्डिंग में काम करने के लिए जाते हो, तो वो जो बिल्डिंग है उसकी जो आउटर साइड की जो वॉल है वहां पर जो भी काम होता है, तो उसके लिए जो है हम सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का जो है ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। खास तौर से आपने देखा होगा कि जो स्कैफोल्डिंग है उसको जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो है बिल्डिंग तक जो है उसको खड़ा किया जाता है, और उस स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहकर जो है वहां पर काम किया जाता है। अब यहां पर जितनी बड़ी जो है बिल्डिंग है उतनी बड़ी जो है स्कैफोल्डिंग हमें वहां पर जो है बनानी होती है, उसका जो है प्रॉपर सपोर्ट देना होता है। अब इसके लिए जो है काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आती है। अब इस कॉस्ट को जो है कम करने के लिए जो है बाद में जो है सस्पेंडेड जो झूला टाइप रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रोप के जरिए जो है यहां पर जैसे मंकी लैडर होती है वैसे जो है बनाया जाता है, और ऊपर बिल्डिंग से जो है नीचे उस झूले को जो है डाल दिया जाता है, और उस झूले के ऊपर खड़े रहकर जो है आदमी वहां पर काम करता है। अब इसमें जो है ज्यादातर जो है रिस्क इन्वॉल्व होती है। अब ये जो है ये थोड़ा रिस्की काम हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है प्रॉपर जो है आपको फॉल प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिल पाता है, और वो जो झूला है वो मैनमेड होता है, तो उसका जो है थर्ड पार्टी भी नहीं होता है। तो ऐसी रिस्क को जो है मिनिमाइज करने के लिए जो है रोप सस्पेंडेड जो है प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। और ये जो सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म होता है इसको ऑपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, यानी कि आप जो है इस सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म को जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वर्टिकल पोजिशन में जो है इसको जो है ऑपरेट कर सकते हो, और इसकी सहायता से जो है आप प्लास्टरिंग का, पेंटिंग का या फिर क्लैडिंग का जो है वो काम कर सकते हो। अब अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके जो है कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ जो है उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसा कि ये जो रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म जो है इसके भी जो है कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ये जो है ये टॉपल जो है वो हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है पर्सन जो है वो फॉल हो सकता है ऊंचाई से, या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पर जो है कोलैप्स हो सकता है, वो भी अगर इसको सही तरीके से ऑपरेट अगर नहीं किया जाए, या फिर जो सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म है उसको सही तरीके से अगर इरेक्शन नहीं किया जाए तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके ऊपर जो है एक स्टडी की गई है, और इसके लिए जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसको फॉर्म किया गया है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है कुछ सेफ्टी गैजेट्स यानी कि जो सेफ्टी सिस्टम्स है उसकी जो है लिस्ट यहाँ पर दी गई है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर सेफ्टी गैजेट है वो है सेफ्टी डिवाइस, यानी कि अगर रोप सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म है उसका अगर प्राइमरी रोप अगर ब्रेक हो जाता है तो उस वक्त जो है सेफ्टी लॉक जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जो रोप सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म का जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पर अरेस्ट करता है, वो भी सेकेंडरी रोप के जरिए। फिर उसके बाद का सेकंड सेफ्टी गैजेट है वो है सेंट्रीफ्यूगल स्पीड लिमिटर। अब इसका काम ये है कि जब भी रोप सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म है उससे जब आप ट्रैवल करते हो अप या फिर डाउन, तो अप एंड डाउन करते समय जो है इसकी जो स्पीड है वो अगर इंक्रीज हो जाती है उसकी जो रेटेड स्पीड है उससे ज्यादा, तो ये जो डिवाइस है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और रोप सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म ऑपरेशन है उसको यहाँ पर रोक देता है। खास तौर से ये जो डिवाइस है ये एक्टिवेट होता है जब भी फ्री फॉल होने की जो है वो कंडीशन आ जाती है, या फिर इसका जो ब्रेक है फेलर हो जाता है उस कंडीशन में। फिर उसके बाद का सेफ्टी गैजेट है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक विद मैनुअल रिलीज। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक है उसके साथ में जो है हॉइस मोटर जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और वो भी एज अ प्राइमरी होल्डिंग डिवाइस करके। तो यहां पर मैनुअल रिलीज जो मैकेनिज्म है वो यहां पर मदद करता है क्रैडल को ग्राउंड लेवल पर लोअर करने के लिए, वो भी इन केस अगर पावर फेलर हो जाता है उस कंडीशन में। फिर उसके बाद का सेफ्टी गैजेट है ओवर हॉइस लिमिट स्विच। तो इस ओवर हॉइस लिमिट स्विच का जो है मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है ये क्रैडल को ओवररन होने से जो है प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ सस्पेंशन जो मैकेनिज्म है उससे भी हीट होने से जो है ये प्रिवेंट करता है। जब भी लिमिट स्विच जो लेवल है वो टच करता है अपर एंड को, तो उस वक्त जो है जो इलेक्ट्रिकल मोटर को जो पावर सप्लाई होता है वो वहां पर स्टॉप हो जाता है।
फिर उसके बाद का सेफ्टी गैजेट है वो है एंटी टिल्टिंग कट ऑफ। अब ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि अक्रॉस जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो भी लोडिंग हुई है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म है क्या, उसको ये यहाँ पर इंश्योर करता है। यानी कि जो भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसमें जो भी लोड दिया गया है तो अगर उसमें अगर लोड अगर एक साइड में अगर ज्यादा हो जाता है तो प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये एक अनसेफ कंडीशन कहलाती है। अब ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली में करता क्या है कि अगर प्लेटफॉर्म जो है वो अगर एक साइड से अगर ज्यादा जो है उसके ऊपर अगर लोड दिया जाता है तो वो टिल्ट हो जाता है। तो अगर वो जो प्लेटफॉर्म है एक साइड से अगर 4 डिग्री से ज्यादा अगर वो अगर टिल्ट हो जाता है तो वहां पर जो है ये यहां पर जो है पावर सप्लाई को कट ऑफ करता है। फिर उसके बाद का सेफ्टी गैजेट है वो है एंटी स्वे रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है ये अवॉइड करता है रोप सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म है उसको स्विंग होने में, वो भी हॉरिजेंटल प्लेन में। यानी कि यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म को ये जो है ये स्विंग नहीं होने देता है। अब इसके लिए जो है एक सेपरेट वायर रोप जो है वो बिल्डिंग के टॉप से जो है ग्राउंड पर जो है वो पास होता है। जो स्वे अरेस्टर जो रोलर है जो फिटेड होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके थ्रू जो है ये यहाँ से पास होता है, जिसकी मदद से जो है प्लेटफॉर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है वैसे ही रहता है, इसमें कोई भी स्विंग नहीं आने देता है। और इसी को ही जो है आप एज अ फॉल अरेस्टर करके भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद का सेफ्टी गैजेट है वो है लॉकिंग अरेंजमेंट फॉर अपर काउंटर वेट्स। अब यहाँ पर है कि सभी जो काउंटर वेट है जिसको टॉप लेवल के ग्राउंड लेवल पर जो है जो आप प्लेस करते हो तो उसको जो है आपको प्रॉपरली लॉक करना है, और वो भी लॉक और की अरेंजमेंट के साथ में, ताकि यहाँ पर अनऑथोराइज कोई भी जो पर्सन है वो यहाँ पर इस काउंटर वेट को जो है रिमूव ना कर सके। फिर उसके बाद का सेफ्टी गैजेट है वो है हैमर वेट फॉर वायर रोप लॉकिंग। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग जो वायर रोप है उसको आपको जो है एंकर करना है ग्राउंड लेवल पर, वो भी हैमर वेट अरेंजमेंट के जरिए। फिर उसके बाद का सेफ्टी गैजेट है पैनल बोर्ड लॉक एंड की। अब यहाँ पर रोप सस्पेंडेड जो प्लेटफॉर्म है उसका जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसको जो है लॉक करना जरूरी है, वो भी लॉक एंड की अरेंजमेंट के जरिए, ताकि यहाँ पर अनऑथोराइज जो ऑपरेशंस है उसको यहाँ पर अवॉइड किया जा सके। और यहाँ पर इसकी जो की है इसको हैंड ओवर करना है जो ऑथोराइज ऑपरेटर्स है उसको ही। तो इस तरीके से जो है ये 9 सेफ्टी गैजेट्स है जिसके बारे में जो है आपको पता होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।